हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। मैं हूं ज्योत्सना। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं यानी कि 0 to 6 मंथ तक के बच्चे, वो दूध पीने के बाद उल्टियां क्यों करते हैं, कुछ दही जैसा क्यों निकालते हैं, स्पिट अप क्यों करते हैं, तो इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आपको हेल्पफुल लगता है ये वीडियो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं जो न्यू बॉर्न से लेके 6 मंथ तक के बच्चे, वो जब भी फीड करते हैं तो उल्टियां होना बहुत ही कॉमन है, नॉर्मल बात है। इसके लिए कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। 90% बच्चों में ये हो जाता है और जब तक बच्चे 6 महीने के होते हैं उसके बाद से बच्चे जब बैठने लग जाते हैं तो ये खुद ब खुद ठीक होने लग जाता है, और जब साल भर का बच्चा हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है पूरी तरह से। तो बच्चा जो उल्टियां करता है इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि बच्चा ओवर फिट कर ले, यानी कि बच्चे की भूख जितनी है उससे ज़्यादा बच्चा दूध पी ले और जैसे डकार दिलाए तो बच्चा दूध निकाल दे। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि बच्चा एयर को स्वेलो कर ले, यानी कि जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो उसके साथ साथ बच्चा जो है एयर भी खींच ले, तो उससे भी बच्चे उल्टियाँ करते हैं। तीसरा जो रीज़न हो सकता है कि अगर बच्चे को किसी भी तरह की डाइजेशन की प्रॉब्लम हो या फिर बच्चे को कोल्ड कफ हो रखा हो, बच्चा कॉलिक है, बच्चे को कुछ गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी चीज़ें भी अगर बच्चे को हो रही हैं तो भी बच्चा उल्टियाँ कर सकता है। नेक्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने बच्चे को दूध पिलाया, उसके बाद आपने बच्चे को पेट के बल लिटा दिया, फिर क्या होता है ना, बच्चे कभी कभी जो 3 मंथ्स के ऊपर के बच्चे होते हैं तो वो खुद ब खुद भी पेट के बल लेट जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है ना, पेट में प्रेशर जाता है और बच्चा मुंह से उल्टियां निकालने लग जाता है। और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि क्या होता है कि बच्चा दूध पीने के बाद बच्चे अगर एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि आपने बच्चे को दूध पिला दिया, ये ज़्यादातर 3 महीने के ऊपर के बच्चों में देखा जाता है कि जो हंसने लग जाते हैं तो हम उसे हंसाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा हंसता है, हंसते हंसते मुँह से दही जैसा कुछ निकाल देता है। या फिर क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो अक्सर देखोगे कि जो थंब है उसको सक करने की कोशिश करते हैं या फिर जो उनके हैंड्स हैं सारे हैंड्स वो मुँह में देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भूख के वजह से करते हैं, बच्चे की आदत होती है कि पूरी हाथ को मुंह में लेना या थंब को मुंह में लेना, तो इससे भी क्या होता है ना, बच्चे को उल्टियां हो सकती हैं। अब ये जान लेते हैं कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, मतलब कुछ टिप्स मैं आप लोगों को फॉलो करने के लिए बोलूँगी। तो आप ये टिप्स अगर फॉलो करते हैं तो बच्चों में बहुत हद तक कम हो जाएगी उल्टियाँ करना। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप जब भी बच्चे को फीड कराएं तो उसका जो सर है वो अपवर्ड पोजीशन में रहना चाहिए, यानी कि जो उनका सर है इस तरह से रहना चाहिए और उनका जो बॉडी का बाकी पार्ट्स है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से अगर बच्चे को फीड कराते हो तो बच्चा उल्टियाँ नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप जब बच्चे को दूध पिलाते हो तो ये ध्यान में रखो कि बच्चे को एक बार में पूरा का पूरा दूध नहीं पिलाओ। क्या होता है ना, बच्चा एक सांस में पूरा का पूरा दूध पी लेता है, उसके बाद जैसे ही हम डकार दिलाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा दूध निकाल देता है। तो छोटे छोटे पोर्शंस में अगर हम उस बच्चे को दूध पिलाते हैं, जैसे कि अगर हमने दूध पिलाना शुरू किया, जो ब्रेस्ट फीड मॉम है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, तो जैसे 10 मिनट तक आपने दूध पिलाया, उसके बाद उसे अच्छे से बर्फ दिलवा ले, उसके बाद फिर आप 10 मिनट तक दूध पिलाएं, तो इस तरह से अगर आप दूध पिलाते हैं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा दूध एक साथ जमा नहीं होगा स्टमक में और बच्चा दूध नहीं निकालेगा। और जो बॉटल फीड करते हैं यानी कि फॉर्मूला मिल्क जो लेते हैं बच्चे, तो उनमें क्या है कि आपको देखना होगा कि जैसे एज के हिसाब से बच्चे को कितना अंश में मिल्क देना रहता है वो सब कुछ लिखा रहता है। तो यानी कि मान लो अगर आप 40 ml बच्चे को दे रहे हो तो सबसे पहले आप 20 ml पहले पिला दो, उसके बाद थोड़ा सा आप उसको 5 मिनट का गैप दो, उसके बाद फिर वो जो 20 ml है वो पिला दो। और एक बात फार्मूला फिट बच्चों के लिए ये है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो फार्मूला मिल्क पीने के बाद भी बच्चे का जो मिल्क है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो खट्टी खट्टी दही जैसे कुछ निकलने लग जाती है, तो ये भी हो सकता है ना कि कुछ फार्मूला मिल्क हार्ड होता है जो बच्चे को डाइजेशन होने में प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, किसी दूसरे ब्रांड का फार्मूला मिल्क लेकर देखें जो कि डाइजेशन में ईजी हो बच्चे को। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप
अपने बच्चे को जब फीड करा रहे हो, दूध ही रहा है बच्चा, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइट कपड़ा या फिर टाइट डाइपर ना पहना है, उसको बिल्कुल ढीला ढाला कपड़ा पहना है जिससे कि वो एकदम कंफर्टेबल हो। अगर बच्चा अनकंफर्टेबल रहता है तो भी बच्चा उल्टियाँ करता है, तो एकदम ढीले ढाले कपड़े पहना है और डाइपर भी वैसे ही पहना है जिसमें उसके आसानी से एयर है जो पास हो सके। और एक बात है, जब बच्चा 2.5-3 महीने का हो गया है तो क्या होता है ना, जब बच्चा दूध पी लिया तो हम उसे हंसाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसमें बच्चा जो है थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाता है, तो क्या होता है कि इससे भी बच्चे की उल्टियाँ होने लग जाती हैं, तो हमें थोड़ा इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ब्रेस्ट फीड मदर्स हैं उन्हें अपने डाइट पे ध्यान देना होगा। आप ऐसी बिल्कुल भी कोई चीज़ ना खाएं जिससे कि बच्चे के डाइजेशन में प्रॉब्लम हो। और लास्ट पॉइंट ये है कि जब भी बच्चे को आपने दूध पिलाया उसके बाद आप डकार दिलाने की या बर्फ दिलाने की बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना करें, क्योंकि कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि आपने दूध तो पिला दिया उसके बाद बच्चा बहुत देर तक डकार नहीं लेता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि बच्चा डकार ना ले, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चा उल्टी कर देगा, तो आप बिल्कुल हड़बड़ाएं ना और बच्चे को बहुत ईजी वे में बर्फ कराएं। और अगर बच्चा बर्फ नहीं भी ले रहा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कब हमें लगेगा कि हाँ ये अब नॉर्मल नहीं है। तो पहला पॉइंट ये है कि हमें बच्चे के पैटर्न को देखना होगा कि बच्चा फीड करने के बाद कब कर रहा है वॉमिट, फीड करने के बाद ही तुरंत कर रहा है या थोड़ी देर बाद कर रहा है, तो उसके पैटर्न को हमें देखना होगा। और जो बच्चा वॉमिट कर रहा है वो कितना क्वांटिटी में कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर दे रहा है, या फिर जब बच्चा वॉमिट कर रहा है तो उसे चोक हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तब डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर बच्चा बहुत अनईजी फील कर रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, क्रैंकी हो रहा है बच्चा, इरिटेट हो रहा है, फीवर आ जा रहा है बच्चे को, ये सारी चीज़ें अगर बच्चों में देखी जा रही हैं तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें देखना होगा कि बच्चे का वेट गेन हो रहा है या नहीं। अगर बच्चे का वेट गेन हो रहा है, इंक्रीजिंग वे में है, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है ना कि बच्चे जो वॉमिट करते हैं, स्पिट अप करते हैं, तो उनके ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनका वेट नहीं बढ़ता, उनका वेट बढ़ता है। लेकिन जो बच्चे जिनका पुअर वेट गेन है या फिर वेट जो है डिक्रीजिंग वे में जा रहा है, तो प्रॉब्लम है, तब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर बच्चा जो वॉमिट कर रहा है वो वॉमिट कुछ ग्रीनिश टाइप का हो या फिर कुछ येलोइश टाइप का हो, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। या फिर बच्चा जो स्टूल कर रहा है, जो पॉटी कर रहा है, उसमें बच्चे का ब्लड आना स्टार्ट हो जाए या फिर वॉमिट करते करते बच्चे का ब्लड आना स्टार्ट हो जाए, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और जो लास्ट पॉइंट ये है कि अगर बच्चा फीड रिफ्यूज़ करे, क्या होता है ना कि जब बच्चे को अनईजी सा फील होता है या फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा फिर फीड लेना नहीं चाहता, बच्चा रिफ्यूज़ करने लग जाता है फिर, तो उस टाइम आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा 0-6 मंथ तक के बीच में उल्टियाँ नहीं करता था और 6 महीने के बाद से जब से सॉलिड खाने लगा है तो उल्टियाँ कर रहा है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से जाके पूछ लें। हो सकता है कि कोई ऐसे वेजिटेबल या फ्रूट या कोई भी खाने की चीज़ हो जिससे उसको एलर्जी हो या फिर उसको डाइजेस्ट नहीं होता हो अच्छे से, तो ये सारी बातें आपको देख कर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। बहुत सारे जो न्यू मॉम्स हैं वो ये चीज़ें फेस कर रही हैं, तो आपको अपने जो सवालों का जवाब है इस वीडियो से मिल चुका है। तो चलिए आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी मैं आपको एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करके पूछ सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जाकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।